हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर मोटरोला फ़ोन में कॉल आने पर स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आना है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऐप का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जहाँ पर सभी ऐप्स रहते हैं उस सेटिंग में आ जाएंगे, इसी सेटिंग्स में आना है और अब नीचे आकर फ़ोन वाले ऐप को खोजना है जिससे फ़ोन लगाते हैं। तो यहाँ पर ऐप आ गया है, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद अब यहाँ पर स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ऐसा करने से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, कोई नंबर भी डिलीट नहीं होगा। तो अब बैक आते हैं। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है मैनेज नोटिफिकेशंस का, नोटिफिकेशन नाम से भी हो सकता है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से चेक करना है, अगर कोई नोटिफिकेशन बंद रहेगा तो चालू कर देना है। तो देखिए ऊपर वाला भी हमारा चालू है और नीचे आते हैं तो यहाँ से सभी परमिशन यहाँ से ऑन है। तो ऐसा आपको चेक कर लेना है, अगर कोई बंद रहेगा तो चालू कर देना। फिर आना है बैक होम स्क्रीन पर। अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे करेंगे तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबा कर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। फिर जब कोई कॉल करेगा तो स्क्रीन पर शो करेगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।